हो गया भाई सीमांचल वालों, तुम लोग का गर्मी निकल गया। सभी साथियों को नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, भीड़ बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, तभी अचानक पुलिस वालों ने अंधाधुंध गोलियां भीड़ पर चला दी, जिसमें से 5 लोगों को गोली लगी है और 3 की मौके पर ही मौत हो गई है और 2 लोगों के हालात बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं। इस बड़ी घटना ने आसपास के क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल पैदा कर दिया है और पूरे क्षेत्र को छावनी में बदल दिया है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस तैनात कर दी है, लेकिन लोगों का गुस्सा अब फूट पड़ा है। चलिए क्या पूरा मामला देंगे इस खबर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से। दरअसल घटना बिहार के कटिहार जिले में बारसोई के आसपास के क्षेत्र की है, जहाँ पर लोगों ने बिजली में भारी कटौती के कारण यहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। हम आपको बताना चाहेंगे, बारसोई और आसपास के इलाकों में लोगों लगातार बिजली संकट झेल रहे थे। इसे नाराज लोगों ने बुधवार को बारसोई प्रखंड कार्यालय के सामने जबरदस्त प्रदर्शन करने का ऐलान किया और बड़ी संख्या में ग्रामीण एकजुट हो गए। उनका कहना है कि बारिश कम होने से खेती पर भारी संकट उत्पन्न हो गया है और राज्य सरकार ने किसानों को खास तौर पर बिजली देने का वादा किया था, लेकिन अब देखा जाए तो पूरे का इलाके से ही बिजली गायब होती ही नजर आ रही है। किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मोटर के सारे खेतों में सिंचाई की जा रही है, लेकिन बिजली की आपूर्ति नहीं होने की वजह से फसल भी बर्बाद हो रही है। ऐसे में SDO कार्यालय के पास विद्युत आपूर्ति की मांग को लेकर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच थोड़ी बहुत झड़प हो जाती है, लेकिन पुलिस इस वक्त वो काम कर देती है जो कि पहले भारत में जनरल डायर ने किया था। जनरल डायर की तरह पुलिस अंधाधुंध फायरिंग कर देती है, जिसमें 5 लोगों को गोली लगी है, 3 की मौके पर ही मौत हो गई है और दोस्तों 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया है, भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। यहाँ पर बताया जा रहा है मृतकों की पहचान में बासल गांव के खुर्शीद आलम, इसके अलावा यहाँ पर चापाखोड़ पंचायत में नियाज आलम और अन्य लोग शामिल हैं। घटना के बाद इस क्षेत्र को लेकर अब राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है। हम आपको बताना चाहेंगे, SP जितेंद्र कुमार ने कहा कि फायरिंग कैसे हुई, इसका आदेश किसने दिया, अभी इसकी जांच की जा रही है। हाल फिलहाल यहां पर ग्रामीणों को शांत करने में पुलिस के अधिकारी लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा कम होता हुआ नहीं।